हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कमेंटर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब तक हम तीन वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक समझे थे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशंस वगैरह हमने की थी कवर। सेकेंड और थर्ड लेक्चर में हमने कुछ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड को एनालिटिक चेक किया था। होपफुली अब उस कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कुछ अननोन्स की वैल्यू निकालेंगे अगर मुझे फंक्शन एनालिटिक गिवन है। तो काफी इजी सा लेक्चर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अगेन, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ लेक्चर्स को ऑनलाइन देखिए टिल द एंड, सो दैट इट विल सपोर्ट मी एज वेल एज आई विल कंटिन्यू टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स इन फ्यूचर एज वेल। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। चार अननोन है मेरे पास, सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। आपको एफ जेड जो है वो एनालिटिक दे रखा है। वेयर एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको एफ जेड गिवन है और ये एनालिटिक भी गिवन है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पीटीयू जलंधर में दिसंबर 2015 में और मई 2009 में आ चुका है, और गोवा यूनिवर्सिटी में ईयर 2016 में आ चुका है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो मुझे एफ जेड पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस आयटा इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है एफ जेड की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, यू प्लस आयटा वी। तो मैंने इसकी वैल्यू यू प्लस आयटा वी पुट कर दी। इसके बाद आपको पता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करनी होती है। तो नाउ बाय कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, आपको पता है लेफ्ट का रियल पार्ट क्या है u, और राइट का रियल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो u की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किए दोनों तरफ, तो v की वैल्यू आ गई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं हो, काफी बार ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको पता है क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो ऑलरेडी एनालिटिक है, तो सिंस द गिवन फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक सो इट मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। आपको पता है जो भी फंक्शन एनालिटिक होता है वो हमेशा सिंगल वैल्यूड होता है, उसके डेरिवेटिव यूनिक होते हैं और वो हमेशा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कार्टिजन फॉर्म में है, तो मैंने सी आर इक्वेशन कार्टिजन फॉर्म वाले लिखी है। वो आपको पता है कर्ली यूबा कर्ली एक्स इक्वल टू कर्ली बीबा कर्ली वाई एंड कर्ली यू बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ली बी बाय कर्ली एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, तो मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि हम सिमिलर कंसेप्ट काफी बार रिपीट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में यूज करने के लिए यू का डेरिवेटिव विसेक टू एक्स, यू का डेरिवेटिव विसेक टू वाई, वी का डेरिवेटिव विसेक टू एक्स और वी का डेरिवेटिव विसेक टू वाई चाहिए, और ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव हैं। सो नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट। तो यू का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विसेक टू एक्स, करिए जरा। तो u का डायरेटिव इसे 2x करोगे तो x के डायरेटिव 2x, a कांस्टेंट y कांस्टेंट तो x का 1 आएगा तो ay बचेगा प्लस, और आपको पता है विसेक 2x कर रहे हो पार्शियल डायरेटिव तो y मेरे लिए कांस्टेंट तो उसका डायरेटिव 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर कांस्टेंट y मल्टीप्लाई में पड़ा है तो पड़ा रहता है और अकेला पड़ा है तो 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब आगे करते हैं, कर ली ऊपर कर ली y विसेक टू y कीजिए, u का विसेक टू y तो एक्स स्क्वायर का डायरेटिव जीरो क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई विसेक टू वाई के लिए कांस्टेंट होगा। यहां पे विसेक टू वाई कीजिए तो एक्स कांस्टेंट होगा और ए कांस्टेंट होगा, तो ए एक्स एज इट इज पड़ा रहेगा और वाई का आएगा वन प्लस, अगर विसेक टू वाई इसका करेंगे तो ये आएगा टू बी वाई। होपफुली डायरेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी इसलिए मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा। सिमिलरली वी का विसेक टू एक्स कीजिए, वी का विसेक टू एक्स करेंगे तो टू सी एक्स आएगा प्लस इसका आएगा डी वाई क्योंकि एक्स का वन आएगा और इसका आएगा जीरो, और सिमिलरली कर्ली वी बाय कर्ली वाई निकाल लोगे, वी का विसेक टू वाई करोगे तो सी एक्स का जीरो आएगा कॉन्स्टेंट है सब कुछ, विसेक टू वाई करोगे तो यहां वाई का वन आएगा तो डी एक्स बचेगा प्लस और टू वाई। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब मेरे चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकल चुके हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या कहती है, कर्ली बाय कर्ली एक्स इक्वल टू कर्ली वी बाय कर्ली वाई, करिए पुट। यू का विसेक टू एक्स आया टू एक्स प्लस ए वाई, और यू का वी का विसेक टू वाई आएगा, ये रहा वी का विसेक टू वाई, तो दैट इज डी एक्स प्लस टू वाई। ठीक है,
यू का भी सेक टू एक्स पुट कर दिया, डी का वी का भी सेक टू वाई पुट कर दिया। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, तो देखिए क्या मिला आपको। तो एक्स एक्स को कंपेयर कीजिए, तो यहां एक्स के साथ ऑप्शन कितना है टू, और राइट में एक्स का ऑप्शन कितना है डी, तो डी की वैल्यू आ गई टू। सिमिलरली यहां वाई का ऑप्शन लेफ्ट में कितना है ए, और राइट में वाई का ऑप्शन है टू, तो ए की वैल्यू आ गई टू, तो डी और ए की वैल्यू आ चुकी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू क्या थी, न्यू का बिसेक्ट वाई इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स, करिए पुट। तो यू का बिसेक्ट वाई क्या है, ए एक्स प्लस टू बी वाई माइनस वी का बिसेक्ट एक्स क्या है, टू सी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, ए एक्स प्लस टू बी वाई इक्वल टू माइनस टू सी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, करिए एक्स एक्स का ऑप्शन इक्वेट करो, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस टू सी, और वाई का ऑप्शन कंपेयर करो तो टू बी की वैल्यू आ गई माइनस डी। अब जिसकी वैल्यू पता है वो पुट कर दो, ए की वैल्यू टू पता थी तो टू इज इक्वल टू माइनस टू सी, और बी की वैल्यू नहीं पता थी बट डी की वैल्यू पता थी वो भी टू थी तो माइनस टू, तो यह सी आ गया माइनस टू बाय टू और बी आ गया माइनस टू बाय टू, कैंसिल हो गए, तो सी आ गया माइनस वन और बी आ गया माइनस वन। सो ए इज इक्वल टू कितना आया टू, बी की वैल्यू कितनी आई माइनस वन, सी की वैल्यू माइनस वन और डी की वैल्यू टू, तो ये मेरा आंसर है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ किया ही नहीं क्वेश्चन में, यू और भी निकालना। अब आपको पता है कि गिवन फंक्शन एनालिटिक है तो सीआरई क्वेश्चन सेटिस्फाई होंगी, तो ये दोनों कंडीशन हमेशा होल्ड करेंगे। उसके बाद चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकाले और वन बाय वन उनमें पुट कर दिया, और वहां से कोएफिशिएंट कंपेयर करके फर्स्ट पार्ट में ए और डी निकला, उसके बाद आपने बी और सी निकाल लिया, सो दैट दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया, तो ऐसे करना है क्वेश्चन। तो एक और सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, सो दैट यू विल बी फिल्टर्ड विद योर ऑल डाउट्स हियर। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, डिटरमाइन पी सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स पी एक्स ओवर वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां एक पी अननोन है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पीटीयू जालंधर में दिसंबर 2017 में, गोवा यूनिवर्सिटी में ईयर 2017 में, मुंबई यूनिवर्सिटी में ईयर 2012 और 2007 में आ चुका है, जेएनटीयू हैदराबाद में ईयर 2003 में आ चुका है। सिमिलर क्वेश्चन है पहले जैसा, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ एज पर द गिवन क्वेश्चन एफजेड की वैल्यू मुझे पता है, एफजेड का वैल्यू आपको पता होती है, एफजेड को यू प्लस आइटा वी से भी डिनोट करते हैं, तो यह आया वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स पी एक्स ओवर वाई। तो अब आपको पता है दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे, नाउ बाय कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, तो रियल रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, लेफ्ट में रियल पार्ट यू है और राइट में रियल पार्ट है वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यू की वैल्यू आई वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेफ्ट में मेनी पार्ट वी है और राइट में मेनी पार्ट टेंजेंट इनवर्स पी एक्स ओवर वाई है, तो वी की वैल्यू आई टेंजेंट इनवर्स पी एक्स ओवर वाई। नाउ सिंस द गिवन फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये गिवन है ऑलरेडी, सो इट मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, डिट्टो जैसा पिछला था वैसे ही है। तो यू का विसेक टू एक्स और वी का विसेक टू वाई इक्वल होगा डेरिवेटिव, उसको इक्वेशन वन मान लिया, और यू का विसेक टू वाई और वी का विसेक टू एक्स में माइनस का फर्क होगा, उसको इक्वेशन टू मान लिया। अब आपको पता है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में आपको चार पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, यू का विसेक टू एक्स, यू का विसेक टू वाई, वी का विसेक टू एक्स और वी का विसेक टू वाई। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, तो पूरे क्वेश्चन में एक ही अननोन है, दैट इज पी, सिर्फ एक पी अननोन है। तो आप अगर आपका एक अननोन हो तो आपका एक इक्वेशन से काम चल सकता है, तो चाहे तो आप इक्वेशन वन ले लीजिए चाहे आप इक्वेशन टू ले लीजिए। पिछले क्वेश्चन में चार अननोन थे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा इक्वेशन चाहिए थी, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ एक अननोन है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो दैट्स योर कॉल कि आप ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लें या दोनों निकाल लें। मैं फर्स्ट इक्वेशन चेक कर रहा हूं। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट, तो यू का विसेक टू एक्स करें,
डेरिवेटिव करें u का भी सेक्टर x, तो 1/2 एज इट इज आपको पता है log का डेरिवेटिव क्या होता है, एक न्यूमेरिकल भी किया था ऐसा। तो जो भी आगे वाली चीज है पहले पलट जाती है, फिर जो उसके आगे जो भी फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव इज टू एक्स, तो दैट इज 2x + 0। तो एक्स स्केयर का 2x आया और वाई स्केयर का 0 आया। तो मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि हम इस पे बात कर चुके हैं। तो कर्ली पकड़ली एक्स क्या आया मेरा, एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो एक पार्शियल डेरिवेटिव निकल चुका है, ठीक है। अब दूसरा ये निकाल लेते हैं v का विसेक्टिव y, तो v का विसेक्टिव y, तो आपको पता है टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + जो भी एंगल है उसका स्केयर, तो px/y का होल स्केयर। प्रोडक्ट, जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव, आपने विसेक्टिव y डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको पता है p और x आपके लिए कॉन्स्टेंट पड़े रहेंगे क्योंकि विसेक्टिव y कर रहे हो, तो p और x दोनों कॉन्स्टेंट है, और 1/y का क्या होगा, -1/y² लो जी, ठीक है, होपफुली समय आ गया होगा। तो 1/y का -1/y², तो वो मैंने पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, 1/(1+p²)x²/y² -px/y². अब यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में यहां वाई स्क्वेयर आया प्लस p²x², और जो एलसीएम था ये न्यूमरेटर में चला गया, इनटू -px/y², ठीक है। तो वाई स्केयर से वाई स्केयर कटा, तो क्या बचा मेरे पास अल्टीमेटली, कर्ली वी बाय कर्ली वाई कितना बचा, -px/y² + p²x², ठीक है। अब चाहे तो थोड़ा सही लिख लीजिए, -px/p²x² + y², एक्स स्केयर की टर्म पहले रख ली क्योंकि क्योंकि इसमें फर्स्ट एक्स स्केयर की टर्म थी, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 थी u का विसेक टू x और v का विसेक टू y, डेरिवेटिव सेम होगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, अब u का विसेक टू x कितना आया, x/(x²+y²), और v का विसेक टू y कितना आया, -px/p²x²+y², ठीक है। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, जैसे नोमरेटर नोमरेटर काट दिया, x x ये 1 पे आ गया, नीचे तो नहीं कर सकता। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां माइनस पी की वैल्यू 1 है, और नीचे भी अगर माइनस पी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1² बनेगा, और ये डिनोमिनेटर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल बन जाएगा। सो 1 की वैल्यू आ गई -p, तो इसका मतलब p की वैल्यू आ गई -1, दैट्स ऑल। तो ये है आपका आंसर, क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। आपने न्यूमरेटर कंपेयर किए, -p = 1, तो अगर -p की वैल्यू या p की वैल्यू -1 डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो वो तब भी डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाएगा, तो यहां से p की वैल्यू भी निकल गई। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी लेक्चर। अगर स्टिल कोई डाउट बचे तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो ये पर्टिकुलर नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो डाउनलोड कर ही पाएंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगेन, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियो लेक्चर बनाता रहूं, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और वीडियोस को सिर्फ ऑनलाइन देखिए, सो दैट आई विल कंटिन्यू टू मेक सच लेक्चर्स इन फ्यूचर। ठीक है, थैंक यू।